हेलो एवरीवन, मैं गौरव बोध आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आरएसएस फीड्स पर डिस्कशन करेंगे और बताएंगे कि कैसे आरएसएस फीड को लगाया और इसके एडवांटेज क्या क्या हैं, ये सब हम इसमें बताएंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज की वीडियो का कंटेंट क्या क्या है हम पहले डिस्कस करते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन रहेगा आरएसएस फीड का, व्हाट इज आरएसएस, हिस्ट्री, आरएसएस फीड क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे थोड़ा। यूज ऑफ आरएसएस फीड्स इन लाइब्रेरी साइंस, मतलब कि आरएसएस फीड्स का लाइब्रेरी साइंस में क्या यूज है उसके बारे में। आरएसएस फीड्स एंड लाइब्रेरी रिसोर्सेज, उस पर डिस्कस करेंगे। हु शुड यूज आरएसएस, कौन कौन यूज करता है आरएसएस, उसके उस पर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ आरएसएस, हमारा क्या कंक्लूजन है उस पर बात करेंगे। दोस्तों, ये लोगो हैं दोनों साइड में, राइट साइड में दिखाए गए हैं आरएसएस के, कि कैसे किसी वेबसाइट पर या किसी ब्लॉग पर अगर ये लोगो कहीं दिखते हैं दोनों में से, मैं जिन पे मैं ये कर्सर घुमा रहा हूँ, दोस्तों ये दोनों लोगो हैं, अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ये आरएसएस फीड देता है किसी भी उस पर लगे हुए वेबसाइट पे या ब्लॉग पर। इंट्रोडक्शन। द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज लेड एलआईएस फील्ड टू अडॉप्ट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज टू सर्व द यूजर्स। द ओल्डर ट्रेडिशनल मेथड हैव बीन रिप्लेस्ड बाई द न्यू वंस लाइक वेब 2.0 टेक्नोलॉजिकल टूल्स। इसका मतलब है दोस्तों कि टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के हिसाब से एलआईएस फील्ड ने समय समय पर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है और पुराने मेथड्स को रिप्लेस किया है और नए मेथड्स को अपनाया है, जैसे कि वेब 2.0 टेक्नोलॉजिकल टूल है उसको अपनाया है, और जो टेक्नोलॉजिकल टूल है वेब 2.0, और ये कर्सिस फील्ड का एक उदाहरण है या एग्जाम्पल है। वॉट इज आर एस एस? आर एस एस स्टैंड फॉर रियली सिंपल सिंडिकेशन, दैट इज अ मीन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूज और अदर वेब कंटेंट फ्रॉम वन ऑनलाइन पब्लिशर टू यूजर। मतलब दोस्तों कि ये एक आर एस एस जो है रियली सिंपल सिंडिकेशन, ये किसी भी वेबसाइट पर उसकी करंट न्यूज या कोई भी वेब कंटेंट है जो ऑनलाइन पब्लिश हो रहा है को यूजर तक पहुंचाता है। इट इज़ एन एग्जाम्पल बेस्ड फॉर्मेट फॉर कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन, और जो इसका फॉर्मेट तैयार किया जाता है ये एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज एक्सएमएल में किया जाता है। मेजोरिटी ऑफ आरएसएस फीड्स कंटेन न्यूज हेडलाइंस, ज़्यादातर जो आरएसएस फीड्स लगाया जाता है वो न्यूज हेडलाइंस के ऊपर लगाया जाता है। इट इज़ यूज्ड बाई कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ऑर्गेनाइज दोज हेडलाइंस एंड नोटिस आर इजी रीडिंग्स। हिस्ट्री के बारे में देखते हैं दोस्तों। आर एस एस कम्स फ्रॉम नेटस्केप्स, इनोवेटिव नेट माई नेटस्केप पोर्टल साइंस एंड नेट सेंटर चैनल्स थ्रू द पोर्टल सर्विसेज। नेटस्केप अलाउड एनी वन हु हैड अ माई नेटस्केप अकाउंट टू पब्लिश न्यूज हेडिंग्स ऑन हिज और हर पेजेस, थस वॉज बोर्न द फर्स्ट वर्जन ऑफ आर एस एस 0.9 इंट्रोड्यूस बाई नेटस्केप इन 99। दोस्तों, ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में भी आता है कि जो उसका फर्स्ट वर्जन था आर एस एस का वो कौन सा था, वो याद कर लीजिएगा दोस्तों। 0.9 इसका फर्स्ट वर्जन था आर एस एस फीड का, और आर एस एस फीड्स को दिया किसने, नेटस्केप ने दिया है 1999 में। ये तीन क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं दोस्तों, कब आया था, किसने दिया था, उसका फर्स्ट वर्जन क्या है। सेकेंड है द ऑफिशियल आर एस एस 2.0 स्पेसिफाइड रिलीज इन 2003, और आर एस एस 2.0 रियली सिंपल सिंडिकेशन 2.0 जो आया है ये 2003 में आया है। आर एस एस फीड्स इज अ यूजुअली अ ग्रुप ऑफ हेडलाइंस ब्रीफ समरीज एंड लिंक्स ऑफ फुल टेक्स्ट। आर एस एस फीड्स रेफर्स टू अ फैमिली ऑफ वेब फीड्स फॉर्मेट दैट आर यूज टू पब्लिश रिक्वेंटली अपडेट वर्क सच एज ब्लॉग एंट्रीज न्यूज हेडलाइंस ऑडियो वीडियो टीसी।
दोस्तों इन सभी में वही बता रहा है कि आर स्पीड्स का वर्क क्या है, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, कि इनके वो एक वेब फीड है, उसी का एक फॉर्मेट है जो फ्रिक्वेंटली, यानी कि अगर हमने किसी ब्लॉग पर अपना आरएसएस लगा रखा है जीमेल के थ्रू या किसी अदर सोशल मीडिया के थ्रू, तो वो आपको फ्रिक्वेंटली अपडेट देता रहेगा उस पर जो भी पोस्ट अपडेट हुई हैं या उसकी क्या एंट्री है, क्या न्यूज़ ने आया है, किसी भी प्रकार की ऑडियो हो चाहे वीडियो, सभी पे वो करेगा। यूज ऑफ आर एस एस फीड्स इन लाइब्रेरी साइंस, ये मेन है दोस्तों। आर एस एस फीड का इन लाइब्रेरी साइंस में क्या यूज है उसके बारे में हम बताया गया है। लाइब्रेरीज आर यूजिंग आर एस एस फीड्स टू सर्व द यूजर इन मॉडर्न वे। एक हम मॉडर्न वे में यूज करते हैं आर एस एस फीड को लाइब्रेरी में। इट फैसिलिटेट्स रिसेंट अलर्ट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक अब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग अदर डेटाबेस एज अल्टरनेटिव ऑप्शन टू ईमेल अलर्ट्स। मोस्टली दोस्तों जो हम आर एस एस फील्ड को यूज करते हैं लाइब्रेरी साइंस में, तो ये हम इसमें ईमेल अलर्ट्स के लिए करते हैं, जिससे कि हम उसको अब्स्ट्रैक्टिंग और इंडेक्सिंग की सर्विसेज हम यूजर्स तक समय समय पर पहुँचा सकें। आर एस एस फीड्स एंड लाइब्रेरी रिसोर्सेज, ये इसके बारे में है। आर एस एस अलर्ट्स फ्रॉम ए एंड आई सोर्स फॉर अल्टरनेटिव टू ईमेल अलर्ट्स। मोस्टली मैंने बताया कि ईमेल्स के द्वारा ही लाइब्रेरी के उसमें दिया जाता है। आर एस एस अलर्ट्स टू रेफरेंस वर्क जो होते हैं, अकाउंट फ्रॉम ए एंड आई सोर्स पे। आर एस एस फीड्स फ्रॉम रेफ वर्क शेयर फोल्डर्स, यानी कि जो आर एस एस फीड्स के जितने भी रेफरेंस वर्क होते हैं वो इस फोल्डर के द्वारा शेयर किए जाते हैं। हु शुड यूज आर एस एस, आर एस एस कौन यूज करते हैं, कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है उसके बारे में है। न्यूज़ साइट्स, न्यूज़ साइट जैसे कोई भी ब्लॉग हो सकता है, वेबसाइट हो सकती है, या किसी भी प्रकार का वेब पेज हो सकता है, जिस पे हम जो आपको समय समय पर टाइम टू टाइम न्यूज़ फीड न्यूज़ वगैरह देता है, जैसे कि न्यूज़पेपर की वेबसाइट्स हैं वहाँ पर फीड्स को आर एस एस फीड्स को लगाया जाता है। इसके अलावा कंपनीज या इसमें किसी भी इंस्टीट्यूट पर ले लीजिए, अगर हम उसके उस पर आर एस एस पर क्लिक करते हैं तो उस पर जो भी अपडेट रहती है कंपनी के किसी भी इंस्टीट्यूट के ऑर्गेनाइजेशन की, वो हमें समय समय पर दे दी जाती है। कैलेंडर्स, लिस्ट ऑफ अपकमिंग इवेंट्स, ये दोस्तों हमारे मोबाइल में भी होता है कि हम किसी अपने मोबाइल के जो कैलेंडर में कुछ भी आर एस एस फीड पर क्लिक करते हैं तो उसको हमें टाइम टू टाइम एक नोटिस देता है किसी भी फेस्टिवल के बारे में या अदर इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर टू डिसेमिनेट वेरियस इंफॉर्मेशन नीड्स बाय यूजर, जितने भी LIS सेंटर हैं जो इंफॉर्मेशन के डेटाबेस रखते हैं वो भी इस चीज़ को यूज करते हैं। डेटाबेस प्रोड्यूसर्स टू इंफॉर्म न्यू इंफॉर्मेशन जनरेट एंड रिक्वायर्ड बाय यूजर, ये जो जितने भी डेटाबेस वो होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो सभी भी अपनी वेबसाइट या वेब पेज पर आर एस एस फीड का यूज करती हैं। तो दोस्तों यहाँ कुछ लोगो दिए गए हैं साइड में, उनके बटन्स को कैसे किया जाता है, अलग अलग एक दो लैंग्वेज भी चेंज है और किस किस उस पर दिया गया है, ब्लॉग्स पे, वेबसाइट्स पे और डेटाबेस में जिसमें दिखाया गया है, इसमें बटन्स दिए गए हैं। कहीं भी अगर XML लिखा हुआ है और फीड लिखा हुआ है तो ये भी एक RSS फीड का ही एक रूप है। एटम वैलिड एड टू याहू, याहू के द्वारा आपको, याहू ईमेल के द्वारा आपको वो मिल रही है जानकारी मिल रही है RSS फीड की। ऐसे ही बाकी तीन लोगो दोस्तों मैंने पहले बताया था, दो लोगो ये हैं और XML भी एक लोगो है इसका। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ RSS की। फॉर यूजर्स देयर आर सेवरल एडवांटेज इन सब्सक्राइबिंग टू आर एस एस फीड, अ फ्यू विच आर कि इनमें से कुछ हम यहाँ दिखा रहे हैं दोस्तों। जैसे कि प्राइवेसी होती है पहली, जैसे कि वन डज नॉट नीड टू सेंड वंस ईमेल एड्रेस एनी वेयर टू एनी बडी इन ऑर्डर टू सब्सक्राइब टू एनी आर एस एस फीड, मीन्स क्या किसी भी एक वेबसाइट पर एक ही बार हम ईमेल एड्रेस डालते हैं, इसके अलावा हम बार बार उस पर नहीं, अलग अलग पेज पर नहीं डालते हैं उसका, जिससे हमें वो उसकी प्राइवेसी का ध्यान रखते हैं। स्पैम प्रोटेक्शन दोस्तों, स्पैम प्रोटेक्शन में ये ऐसा है कि अगर किसी प्रकार का आपको स्पैम मैसेज आ रहे हैं RSS फीड के द्वारा, तो आप उस पर जाके एक दो क्लिक पे ही उसे सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर सकते हैं।
इजी कैंसिलेशन, वन डज नॉट नीड टू सेंड एन अनसब ईमेल मैसेज एज विद मोस्ट ईमेल लिस्ट सर्व्स और गो थ्रू अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ऑफ एनी वेबसाइट टू कैंसिल अ सब्सक्रिप्शन सिंपली डिलीट और ड्रॉप विद फीड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फीड फॉलोअर्स। दोस्तों उसमें इजी कैंसिलेशन में भी यही बताया गया है कि किसी भी इसको जाने पर हम इजीली इसको अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, इसमें अनसब लिखा रहता है। इसके अलावा अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं सिंपली डिलीट का बटन होगा, ड्रॉप का बटन होगा, उस पर हम क्लिक करने पे हम उसको फीड्स को अनफॉलो कर सकते हैं या फॉलो कर सकते हैं। फॉर द दोस्तों करंट कंटेंट मैनेजमेंट RSS फीड आइडेंटिफाई द न्यूएस्ट अपडेट एंड एडिशंस एंड वन सेट फीड रीडर्स एंड कंटेंट एग्रीगेटर्स टू गिव एन अलर्ट व्हेन न्यू कंटेंट हैज अराइव्ड इन एजेंट्स प्रोवाइडिंग एन इंस्टेंट करंट ऑनलाइन सर्विसेज फॉर यूजर्स। डिसएडवांटेज ऑफ RSS। डिसएडवांटेज में पहले ये दोस्तों कि नॉट एवरी साइट्स ऑफर RSS फीड्स, कोई भी हर एक साइट या कोई भी ब्लॉग आपको RSS फीड प्रोवाइड नहीं कराता है, रेयरली कुछ होते हैं स्पेशली जो आपको प्रोवाइड कराते हैं। सम RSS फीड्स एक्सपायर आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ऐसे ये कि कुछ हैं टाइम पीरियड में जो ख़त्म कर देते हैं, मैंने भी एक दो पे किया था तो वो भी आने बंद हो जाते हैं 1 साल में या 6 महीने में, उनका एक टाइम पीरियड रहता है। RSS कंटेंट इज नॉट बीइंग यूज्ड टू इट्स फुल पोटेंशियल, जितना भी RSS कंटेंट आपको नॉलेज दी जाती है वो एक फुल कंटेंट पोटेंशियल में नहीं होती है, हमें उस पर जाके ही देखना पड़ता है वेबसाइट पे जाके, वाला हमें एक नोटिफिकेशन टाइप का मिलता है कि हाँ वहाँ पे कुछ अपडेट हुआ है इस टाइप से। कॉपीराइट इशूड शुड बी एड्रेस्ड, इसमें दोस्तों कॉपीराइट इशूड बहुत ज़्यादा होते हैं। लाइब्रेरियन मस्ट अप्लाई सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड एवेल्युएट रिसोर्सेज टू रिड्यूस इरेलेवेंट रिजल्ट। कंक्लूजन, इट फैसिलिटेट्स इफेक्टिव एंड इफिशेंट मेथड टू डिसेमिनेट ऑफ इंफॉर्मेशन। दोस्तों ये जो फैसिलिटी है ये काफ़ी इफेक्टिव और इफिशेंट मेथड है किसी भी इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करने का। इट इज़ वेरी इजी फॉर यूजर्स टू एग्रीगेट इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम वेरियस सोर्स, ये काफ़ी इजी है जिससे कि हम इंफॉर्मेशन को एग्रीगेट कर सकते हैं अलग अलग सोर्सेज के द्वारा। ऑटोमेटिक अपडेटेड फॉर प्रीडिफाइंड सर्विस मेजोरिटी ऑफ करंट अवेयरनेस सर्विस, दोस्तों एक करंट अवेयरनेस सर्विस कैश का एक ऑटोमेटिक अपडेट है, इसको हमें बार बार सर्च नहीं करना पड़ता, हमें स्पेशली वेबसाइट पर किसी पर लगा देते हैं जैसे कि LIS पोर्टल, लाइव इंफॉर्मेशन साइंस ब्लॉग, मैंने अपने पे भी लगाया हुआ है, अपने ब्लॉग पे भी लगाया हुआ है ईमेल के थ्रू कि आपको टाइम टाइम टू वो दिया जाए। दोस्तों यहाँ रेफरेंसेज हमने चीज़ें कहाँ से गेट की हैं, दोस्तों हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिए हैं जिसमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक हैं, पोर्टल, हमारे ब्लॉग का लिंक दिया गया है। इसके अलावा डिस्कशन के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, किसी क्या नीड रहती है उसके अकॉर्डिंग। टेलीग्राम पर चैनल बना रखा है और ग्रुप भी बना रखा है, इसमें हम टाइम टाइम पर LIS क्विज और डेटा प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा दोस्तों फेसबुक पर भी हमारा जॉब इन्फॉर्मेशन में है LIS स्टडी मटेरियल, उसमें भी लिंक दिया गया है। ऑल्सो दोस्तों अगर आप यूट्यूब पर, हमने इसमें भी लिंक दिया है और आप YouTube पर देख भी रहे हैं वीडियो, दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ वो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच आपका इतने देर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।